हाय, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? अभी बज रहा है सुबह का 5 एंड मैं उठ गई हूँ। हस्बैंड जो है वो ड्यूटी को चले गए। आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड उत्तराखंड पुलिस में हैं, सो वो सुबह चले गए थे ड्यूटी को। अभी मतलब जस्ट अभी चले गए ड्यूटी को। सो गाइज, हस्बैंड चले गए ड्यूटी को, चाय वाय पी ली थी उन्होंने एंड वो चले गए हैं रुद्रपुर ड्यूटी के लिए। एंड ईवा जो है वो अभी सो रही है, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज, ईवा ये सो रही है अभी और ये मस्त अपना 9-10 बजे आराम से उठती है, बिकॉज अभी इसका एडमिशन नहीं हुआ है गाइज स्कूल में। सो अभी ये सोए रहती है, बट स्कूल जाएगी तो टाइम से उठने लगेगी। आज मैं भी थोड़ा जल्दी उठ गई तो मैंने सोचा मैं भी फटाफट अपना काम निपटा लेती हूँ एंड उसके बाद आपसे मिलती हूँ गाइज। स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, सुबह सुबह का हमारे यहाँ से मतलब मेरे कमरे से व्यू कुछ इस तरीके का है। बादल लगे हुए हैं बाहर एंड आप देख सकते हो मौसम कैसा है। ये देखिए गाइस, सुबह हो गई है एंड मौसम ऐसा है, बादल लगे हुए हैं गाइस एंड शायद आज भी बारिश होगी। गाइज, यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे कपड़े तो 2 दिन से सूखे नहीं हैं। आप लोग यहाँ पे वो उठ गई है, क्या हुआ? कुछ चुच्चू आ ली वो, जो वो उठ गई है, वो ने चुच्चू कर लिया नहीं वो, क्या हुआ? और छोना है, खुजली लगी है, निन्नो आला है ना। चलो फिर सो जाओ, पर चलो। तो गाइस, ईवा को वापस सोना है एंड मैं इसको सुला देती हूँ अभी वापस से, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं उठेगी। अगर सुसु आ रहा था इसलिए उठ गए। कैसे बोलते हैं? हेलो तो बोल दो सबको। क्या हुआ ईवा? खुजली हो रही है गाइस। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना पिस्सू हो गए थे तो उन्होंने ईवा को काट लिया था। अभी भी इसके निशान है गाइस, देखे ये देखिए कितना काट लिया था इसको। गाइज, जब युवा को अच्छे से नींद नहीं आती तो ये बोलती है कि मम्मा बैक में खुजली कर दो, तो ये आराम से सो जाती है। उसके बाद इसको ये बचपन से आदत है। आप लोगों के बच्चों को भी आदत है तो कमेंट्स में बताइएगा। गाइज, ईवा उठ गई है अभी। गुड मॉर्निंग बोलो ईवा। एंड मैं यहाँ पे काट रही हूँ अभी कद्दू। पहले बिस्तर पूरा समेट लेती हूँ, उसके बाद काटूंगी मैं कद्दू एंड उसके बाद ईवन आएगी ना। क्या बना दूँ? आपका घर बना दूँ? ठीक है, कैसे बनाना है? ऐसे घर कौन बनाता है? पापा बनाते हैं। ठीक है, पहले मैं बिस्तर सही कर दूँ फिर बनाती हूँ। ठीक है, ओके। मम्मी बेडशीट मैंने साफ कर दी है एंड ईवा अब खेलने लग गए हैं उसमें। अब मैं फटाफट से कद्दू काट लेती हूँ एंड किचन में बन रहा है मेरा, रात मैंने बनाए थे लौकी के कोफ्ते जो बचे हुए हैं। सो अभी मैं बना रही हूँ गाइस, इसमें मैंने बॉईल कर दिया आलू। लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं लेकिन मैं तो सिंपल ही ऐसे डाल देती हूँ एंड बना लेती हूँ। पर मेरी मम्मी कहती है कि हाथ से इसको काफ़ी ऐसे मसल लेना चाहिए मलाई को,
तो उससे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में घी निकल जाता है, और जो इसका ये एक्स्ट्रा बचा हुआ चीज़ होता है ये अलग कम निकलता है, घी ज़्यादा निकलता है और ये चीज़ कम निकलता है। बट I'm not angry anymore, well, sometimes I am. I don't think badly of you, well, sometimes I do. It depends on the day, the extent of all my worthless rage. I'm not angry anymore. Guys, यहाँ पे मेरा घी बन गया और इवा को उसकी प्रेगनेंसी अच्छी नहीं लग रही है। खत्म हो गई आपकी बैटरी? हाँ। क्या कर रहे हो आप? ये देखिए गाइस, इसने अपने फोन की बैटरी खत्म कर ली है। गाइस ये देखिए, ये है इसका फोन और ये है चार्जर। हेलो गाइस, इवा अब नहाने जा रही है। ओके, तो मेरा जो मलाई थी वो सिर्फ एक कटोरा था, छोटा वाला एक कटोरा, सोस में से निकला है इतना घी। तो ये हम सिर्फ इवा के लिए निकालते हैं घर का घी, और हम लोग जो है वो मार्केट से लेके आते हैं यूज़ के लिए। इवा के लिए भी आता है इवन, क्योंकि इतने से घी से हो नहीं पाता। बट मेरा दूध एक डेढ़ किलो ही है, तो इतना ही घी बन पाता है गाइस। हफ्ते 15 दिन में मैं बना लेती हूँ इतना सा घी। तो गाइस यहाँ पर मैं कर रही हूँ, अदरक को अच्छे से कूट रही हूँ एंड हरी मिर्च, कद्दू में गाइस मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डालती, बस इन दो चीज़ों का छौंका मारती हूँ एंड थोड़ी सी हींग और कस्तूरी मेथी। सो अभी हम इसका छौंका मार देते फटाफट एंड इवा के लिए पराठा तैयार करती हूँ। मेरा तवा गर्म हो गया है गाइस, जीरा डाल दिया है, अब मैं डाल दी इसमें कस्तूरी मेथी एंड उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, ठीक है, लहसुन इसको अच्छे से डाल देते हैं कितना ही सारा, और उसके बाद अब डालते हैं गाइस कस्तूरी मेथी की जो फ्रेगरेंस है ना, वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को भी अगर पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कद्दू में कभी इन तीन चीज़ों को खोखा लगा के खाई जाए, बहुत टेस्टी कद्दू बनता है एंड बहुत से लोग अमचूर भी डालते हैं जिन्हें खट्टा मीठा पसंद है, बट सॉरी बट मैं लास्ट में थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। कभी ट्राई करिए आप भी। खोखा देने के बाद मुझे गाइस कद्दू सिंपल बट ऐसे ही पसंद है, मैं इसमें टमाटर प्याज कुछ नहीं डालती हूँ। इवा ने नहा लिया है दोस्तों एंड अभी मैं इसके मॉइस्चराइजर लगा देती हूँ हाथ पैरों में। अच्छे काट रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा देंगे गाइस। नहाने के बाद बच्चों के हाथ पैरों में अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है उनकी स्किन एंड जो ड्राइनेस जो है वो। फिर तेरी कार लभदी नी कुड़ी जड़ी फेसबुक ते, नंबर नु छट जट्टा दिल मेरा ले जा, लंग जाना अख मेरे वाल करके, गल ता जटी ना तेरी बड़ी पई है, देख ता सही तू जट्टा गल करके, गल ता जटी ना तेरी बड़ी पई। मम्मा गाइस यहाँ पे हमारा नाश्ता बन गया है, कद्दू की सब्जी, दही
और ये है लौकी के कोफ्ते और आलू के पराठे और एक आम। गाइज यहाँ पे इवा ने अभी क्या बनाया है, इवा ने ड्राइंग करी है। वाओ गाइज आप बताना ये थोड़ा थोड़ा पेपा की तरह दिख रहा है या नहीं। ये इवा ने खुद ड्रॉ किया है। मैं यहाँ पे लहसुन छील रही हूँ एंड इसने मुझे अभी दिखाया है कि यहाँ पे इसने पेपा बनाया है। वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट माय बच्चा, वेरी नाइस। क्या ठीक है, कौन करेगा? आपकी जल्दी मम्मी हो और आप जीजू मम्मी से क्यों नहीं करते निकलिए चले गए गिल्ली को धन्य मम्मी सॉरी मम्मा। चोरी मम्मा फॉर्मेज मम्मा मुझे दादी की करेंगी जो मैं कन्नू के साथ बर्फी के साथ और मैं कन्नू के साथ और रूबन के साथ खेलूंगी। मुझे दादी की गल के जाओ ना प्लीज बिल्ली के जाओ ना दादी के घर ना प्लीज 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 लेके जाओ ना प्लीज। गाइस अभी हो रहा है दिन का 1:30 बज रहा है एंड मैं अभी थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ रील्स बनाने के लिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई भी रील्स नहीं बनाई और मैंने पहनी है साड़ी। मेरे पास इसका मैचिंग का अभी ब्लाउज यहाँ पर नहीं है, घर पर है, सो मैंने ये वाला डाल लिया एंड मेरी जो रील्स वीडियो है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गाइस अभी दूसरे वाले ऐप पर वीडियो बनाने के लिए मैंने कुछ पहना है वेस्टर्न एंड अभी बनाते हैं इसमें रील्स। कर रही हो इवा पीछे घूमो मम्मा। गाइज इवा ने जीत करी थी कि मेरा हेयर स्टाइल बनाओ, दिखाओ हेयर स्टाइल दिखाओ अपना। हाँ दिखाओ पीछे अपना हेयर स्टाइल दिखाओ गाइज को, बोलो कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। सो गाइज ये देखिए इवा के छोटे से बालों में कितना अच्छा हेयर स्टाइल बना है। तो वेलकम इन माय ब्लॉग गाइज, अभी हो रहा है शाम का 5:30 एंड इवा अभी सो रही है, हस्बैंड अभी तक नहीं आए, उन्हें का वेट कर रही थी, मुझे लगा शायद दिन तक आ जाएंगे बट नहीं आए। सो मैंने खाना खा लिया था, मैं भी सो गई थी, इवा भी सो गई थी, मैंने कपड़े उठा लिए तय करके रख दिए उन्हें। सो अभी मनु आते हैं तो उसके बाद मैं आप स्कोन से मिलवाती हूँ फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने घर, तो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज अभी का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड मनु ड्यूटी से आ गए थे उसके बाद हम गए अपने घर एंड घर से अभी खाना खा के जस्ट अभी पहुंचे हैं एंड इवा का दूध गर्म कर दिया है। इवा बोलो मम्मा का अगर वीडियो पसंद आए तो मम्मी को भी तो बताना है, तो लाइक करो शेयर दबाओ, आपको शेयर दबाने की जरूरत मत करिए। बाय गुड नाइट कौन बोलेगा, शुभ रात्रि शुभ रात्रि करते गुड नाइट के मत करिए। बाय लव यू।